सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। जितने भी मुझसे बड़े सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, और जितने भी मुझसे छोटे सबको मेरा ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है तरुण, होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, हम भी एकदम मस्त है। पहले तो आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा ब्लॉग जो है बहुत दिनों बाद आ रहा है, बहुत दिनों बाद। असल में क्या हुआ था कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, एक बार नहीं दो तीन बार उसकी स्क्रीन ख़राब हो गया, ठीक करने के बाद फिर ख़राब हुआ। फिलहाल अभी थोड़ा सा चल रहा है ठीक ठाक, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बनाऊँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ, आपने मेरे पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा कि एक गाँव है जहाँ पर पुराने पुराने घर थे, वहाँ जा रहा हूँ। तो वहाँ पे पूजा है गाँव की, जैसे पूजा होती है, तो वहाँ जा रहा हूँ, वो दिखाऊंगा आपको। चलो चलते हैं ना, अंधेरा हो चुका है वैसे, अभी बज चुके हैं 8 बज चुके हैं, तो चलते हैं वहाँ पर फटाफट। तो गाइस अभी हम जंगल में है, काफ़ी प्यारा, और ये देखो चांद, मतलब कीड़ों के वास्ते आप आए रहोगे, इंसेक्ट वगैरह, और चांद हल्का सा यहाँ पे, वहाँ पे आपको लाइट दिख रही होगी, वो है बिलखेत की लाइट, जो बिलखेत में दिखाता हूँ आपको, जहाँ स्कूल है आप लोगों का मतलब सबका। और एक और चीज़ खतरनाक सी, ये देखो यहाँ कट चुका है खतरनाक तरीके से, ये होता है। खैर कोई बात नहीं, अपने पाँव की हल्की सी बलि चढ़ा दी। खैर चलते हैं फटाफट मंदिर में ना, अंधेरा हो रखा चारों तरफ। गाइस पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कभी पैर तो कभी हाथ, इसके ना कांटा घुस गया बहुत देखना, इतना बड़ा देखो कितना बड़ा कांटा था ये, ठीक है ना, एक मिनट से इसको सही से लगाता हूँ। हाँ अब देखो कितना बड़ा कांटा था ये, और ये मेरे यहाँ घुस गया एकदम नस पे, पूरा हाथ दर्द करने लगा। अचानक हुआ क्या कि यहाँ पे मैंने पैर रखा, पता नहीं कैसे चप्पल बार बार फिसल रही है, और यहाँ पे पूरा हाथ दर्द कर रहा है। क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी पता क्या, जैसे अगर चोट बड़ी लगे गहरी लगे तो इतना दर्द नहीं होता, नॉर्मल होता हल्का बहुत दर्द होता है, लेकिन अगर छोटी छोटी चोट लगे ना तो बहुत दर्द देती है। अभी बल्कि ये मुझे दिखा तो इसलिए मैं निकाल दिया, यहाँ पे ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन दर्द असल में पूरे हाथ में हो रहा है, मुझे पता नहीं कहाँ का कांटा चुभा है, खतरनाक, क्योंकि मैं एकदम कांटे के ऊपर ही झाड़ में हाथ रख दिया ना। गाइस ये देख सकते हैं आप घर, खतरनाक एकदम पुराने पुराने, पहले भी दिखा रखे थे मैंने आपको, अब दोबारा दिखाते हैं। घर के अंदर झाड़ी, हाँ ये वही जगह है जहाँ से मैं हमेशा गुलाब तोड़ता था, इस बार भी अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा गाइस आपको, सॉरी क्या ही कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे इंटरेस्टिंग काम करने मुझे अच्छा लगता है। जैसे रात को अभी 8:30 बज रहे हैं, मत ही रात के 8:30 बज रहे हैं, और इस टाइम पे इस जगह से गुजरना जो कि एक खंडर है, पूरा का पूरा गांव बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना रात भर, मतलब क्या कह सकते हम कि यहाँ पे घर सारे ऐसे ही है, पुराने पुराने टाइप के, बहुत पुराना। यहाँ पे आया भी था मैं एक बार, दिखा होगा मैंने आपको, बाकी पूरा अंधेरा हो रखा है चारों तरफ, जो आपको दिख भी रहा है पास करूँगा तो झाड़ी देखेंगे। इस साइड है गाइस झाड़ी, ये वहाँ लीची का पेड़ जो मैंने दिखाया था आपको पिछले ब्लॉग में, वो मैं आई बटन, पिछला ब्लॉग आई बटन में आ जाएगा, गला सूख गया पूरा। चलते बस फटाफट, ज़्यादा दूर तो नहीं है जहाँ हम जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब है काफ़ी दूर है, कितना होगा लगभग, लगभग 5 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं हम लोग आज। वाह रात के टाइम पे, के टाइम पे पहली बार जिंदगी में मौका मिला है, और इस मौके को मैं खोना नहीं चाहता। अब रात के टाइम पे पहली बार ऐसा मौका मिला मुझे, किक, थोड़ी किक इंटरेस्टिंग टाइप कि जिसे मुझे खोना नहीं था, मैं आ गया रात के 8:30 बजे पूरे घनाघोर जंगल से। इस जंगल में सिर्फ एक चीज़ का डर नहीं है, कई चीज़ों का डर है जो शायद मैं आपको बता भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है ऐसे करने में, क्योंकि यार मुझे सब करना अच्छा लगता है इसलिए। बाकी 5 किलोमीटर अपने घर से दूर गए हम लोग जंगल से होते हुए, बस फटाफट पहुँचते हैं वहाँ पे। तो गाइज हुआ यूँ कि चप्पल टूट गया है, बहुत गलती कर दी आज, पता नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, पता नहीं हो ही क्या रहा है ये, ये देखो चप्पल टूट गई तब तक, और उसके बाद बहुत मुश्किल से पैदल चलने के बाद कुछ नंगे पाँव कुछ दूर चलने के बाद इन झाड़ियों में, और फिर एक धागा मिला यहाँ रास्ते पड़ा हुआ, अब इसको जुगाड़ बिठा रहे तब तक, गलत किया यार चप्पल ला के, लेकिन हमें क्या पता था कि ऐसा होगा, पहले पैर में खून निकल रहा है वो अलग, हाथ पे लगी वो अलग, ये देखो पता ये पूरा हाथ ऐसे दर्द हो रहा है क्योंकि अंदर नस पे ही चुप गया सीधा, और चप्पल टूटी वो अलग, पता नहीं क्या चाह रहे भगवान हमसे, साफ साफ बोल दो यार। बाकी अब 9 बजने वाले करेक्ट नहीं 8:30 बजे अभी, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हम जहाँ जा रहे हैं
हम अपने घर से जैसे सतपुली जाएंगे अपने घर से तो उतना ही दूर है, मतलब सतपुली 5 किलोमीटर है हमारे घर से, 5 भी नहीं 4 साढ़े 3 4 ऐसे किलोमीटर होगा। लेकिन फिर भी हम जहाँ जा रहे हैं पुजाई में शीला, वो करेक्ट 5 किलोमीटर है हमारे गाँव से, वो भी इस टाइम पे। अभी मैं रास्ते में वीडियो बनाना मैंने बंद कर दिया था क्योंकि हमें टॉर्च की जरूरत थी, खैर टॉर्च तो वैसे ही मिल जाता, पर मेन ये था कि झाड़ियाँ इतनी खतरनाक थी ना, रास्ता था खतरनाक था, अब थोड़ा खुला रास्ता मिला है, वरना से आवाज़ आने लगी गाइस पुजाई की, मतलब पूजा की आवाज़ आ रही है मंदिर में से, तो कोई बात नहीं फटाफट चलते हैं मंदिर में। लचका के चल रहा हूँ मैं तो यार, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, देखो ये रहा मंदिर सामने चमक रहा है ना, तो गाइस ये रहा मंदिर, आवाज़ आने लग गई, तो गाइस ये रहा मंदिर। शिला वाला जो मंदिर था पहले का वो तो बहुत ऊपर था, थोड़ा ऊपर से तो वो आपने देखा होगा, वो बड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और वहाँ पे काफ़ी जगह जगह यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा मंदिर है, पूजा ही हो रही है बस यहाँ पे गांव की। थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ पूजा वगैरह, थोड़ी देर में दिखाऊंगा मैं आपको पूजा ही कैसे हो रही है। पता नहीं है लग रही था।